Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. Today I started my vlog in the morning. It's not morning, it's like around 1 or 2 or like 2:30 PM in the afternoon, but it's our morning. So yeah, we are preparing breakfast. एंड ब्रेकफास्ट में हर बार आपका हैवी ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं करता, लाइक पराठा या कुछ इस तरह. तो रात को जो है वो पिज़्ज़ा रात का पड़ा था और रात का ही केक था, सो आई डिसाइडेड टू ईट केक प्लस पिज़्ज़ा विद चाय. एंड देन फिर मैंने सोचा कि मैं एग बना लेती हूँ. वैसे मैं एग बिल्कुल भी नहीं खाती गाइज, मुझे बिल्कुल एग पसंद नहीं है. और ऑमलेट में फिर खा लेती हूँ, लेकिन जो ये वाला एग है जो मैंने स्पेशल बनाया था अपने लिए, वो मैं बहुत कम खाती हूँ. और जो मैं बनाती हूँ तो मैं उसको पूरी तरह पकाती हूँ, और फिर भी जो येलो वाला पार्ट है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, वाइट वाला मैं खा लेती हूँ. एंड इट्स रियली नॉट गुड. आपको पूरा खाना चाहिए, आपको एग अपनी नॉर्मल रूटीन में यूज़ करना चाहिए. रोज़ तो नहीं, ना सही, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसको यूज़ करें. लेकिन जो लोग एग नहीं खाते वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट क्लिप आई एम गोना शो यू माई न्यू मेबेलिन बेबी स्किन प्राइमर. मैं बहुत अरसे से एक अच्छे प्राइमर की तलाश में थी, मुझे कभी भी प्राइमर अच्छा नहीं मिला. मेरी स्किन पे प्राइमर सूट नहीं करता था, लाइक ब्यूटी फाइव आमना के बहुत सारे प्राइमर मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि उनकी कोई भी डील मंगाएं तो उसमें वो प्राइमर तो ज़रूर भेजते हैं, ठीक है. तो दैट प्राइमर इज़ रियली यूजलेस फॉर मी, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो यू नो इट्स अ नॉर्मल स्किन. नॉर्मल स्किन इज अ स्किन विच इज़ नीदर टू ऑयली नॉट टू ड्राई, ठीक है. तो मेरी स्किन पे वो सूट नहीं करता, वो ऑयली स्किन के लिए है. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, वो आपको पता होता है, आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर लेना होता है. अभी जो मैंने प्राइमर लिया है, क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो ये जो मेबेलिन बेबी स्किन प्राइमर है ये नॉर्मल स्किन पे सूट कर रहा है. ये आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. आप इसको जरूर यूज करें. जिन गर्ल्स को अच्छे प्राइमर की तलाश है वो इसको ट्राई करें, एंड आई एम गोना बेट यू गाइस कि आपको अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा. एंड आई ऑल्सो गॉट अ प्राइमर रिसेंटली फ्रॉम पाकिस्तानी ब्रांड, इट्स नेम इज़ मिस रोज, एंड इट्स अ गुड ब्रांड, बट एंड इट्स वेरी चीप. यू नो आई गॉट अ प्राइमर ऑफ लाइक अराउंड 650 और 600 रुपीज. तो उनका जो प्राइमर है वो भी अच्छा था, बट अगेन दिस मेबेलिन वन इज फैंटास्टिक. दीज बोथ प्राइमर्स सूट्स ऑन माई स्किन एंड दे बोथ आर फ्रेग्रेंस फ्री. अब मुझ पर तो दोनों सूट कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास दोनों पड़े हैं. आप जो भी खरीदना चाहें इन दोनों में से, आप पर डिपेंड करता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑफ प्राइस. एंड अगेन वी वर आउट वेटिंग फॉर माई जंक फूड, लाइक लिटरली दिस इज ओके. आई एम नॉट सपोर्टिंग जंक फूड, बट दिस इज द पार्ट ऑफ माई रूटीन एवरी डे कि मैं जंक फूड खाती हूँ. तो मैं अगर अपनी रूटीन शो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसमें फिर जंक फूड भी मैं शो करूँगी आपको. और इट्स लाइक अभी पिछले वीक से, तो चूँकि जब से क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है और जब से यू नो सब पाबंदियाँ हटी हैं हम पर से, फिर तो मैं यू नो बहुत ज़्यादा मैंने दोबारा शुरू कर दिया. क्वारंटाइन में मुझे एक फ़ायदा हुआ था कि मैंने जंक फूड किसी हद तक कम कर दिया था. स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर मैंने ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर में एक लाइक इस तरह नहीं करती थी कि रोज़. अब तो ये कोई, अब तो ऐसा है कि जब से ये क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है मैं रोज़ ही जंक फूड खा रही हूँ. सो आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम नॉट सपोर्टिंग जंक फूड, बट येस आई एम टेलिंग यू कि कभी कभी खा लेना चाहिए, बिकॉज यू नो इंसान बोर हो जाता है रोज़ खा खा के घर का खाना. तो अगर आप कभी कभी खा लें, आपको रोज़ नहीं खाना चाहिए, जो एक अच्छी बात नहीं है. अगर आप रोज़ खाएंगे तो वो आपके लिए डेंजरस होगा, जैसे कि मैं करती हूँ. और इंशाल्लाह आई ट्राई टू स्टॉप इट वेरी सून. मैं कोशिश कर अब, लेकिन अब आई एम ट्राइंग टू यू नो नॉट यूज़ जंक फूड इन माई डेली रूटीन. लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट करूँगी, प्रॉपर दिन का खाना, रात का खाना, एवरीथिंग फाइन. ये लेट नाइट का टाइम होता है जब हम जंक फूड खाते हैं. एंड हेयर वी आर जस्ट यू नो सिटिंग एंड अपनी ओल्ड मेमोरीज़ के साथ हम बैठे हुए थे. ये मेरी कज़न की शादी का एल्बम था, आई थिंक सो 2014 में उसकी शादी हुई थी. एंड एज यूजुअल माई ब्रदर वो ही वॉज जस्ट लुकिंग एट हिज पिक्चर्स एंड ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड. ही वॉज लाइक ओ माई गॉड लुक हाउ हैंडसम आई वॉज इवन आई वॉज हेल्दी यू नो. सो येस दिस इज़ एन ओल्ड टाइम. ओल्ड टाइम इज़ ऑलवेज द गुड टाइम. And my cousin said that he is very good in making tattoos and I was like okay banao and this is what he made. आप देख सकते हैं एंड ये चार पाँच दिन मेरे हाथ से उतरा नहीं और मैंने उतारने की कोशिश भी नहीं की. एंड दिस इज़ द गर्ल विद द सिगरेट. द सेम डे वेन आई वेंट टू रिजॉर्ट विद माई फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें एंड लाइक माई वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट्स बिलो वेदर यू लाइक दैट प्लेस और नॉट. और मुझे बताएं कि मैंने कैसा रिव्यू दिया, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम और मुझे लगा कि मुझे रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी जगहों पर जाती हूँ तो लाइक
रिव्यू वीडियोस बनानी चाहिए। सो अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा रिव्यू देने की कोशिश की थी, लेकिन बस मैं इतना ही दे सकती हूँ। अब वो किसी को अच्छा लगा है नहीं लगा वो उन पर डिपेंड करता है। और मैं अब आगे यही करूँगी कि मैं कहीं भी जाऊँगी तो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको रिव्यू दूँगी, ताकि आपको पहले से वहाँ का पता हो, आप जाएँ तो आपको आइडिया हो। सो फ्रॉम देयर आपको पता है, जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा है, दे हैव आइडिया कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद वैसे तो हम फुल थे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमें घर नहीं जाना चाहिए। सो वी डिसाइडेड टू गो टू जिन्याकी और हम जिन्याकी चले गए। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत बार गए होंगे और उनको आइडिया है कि देयर एनवायरनमेंट इज़ रियली गुड। और वहाँ पे अभी आजकल वो उसी जो प्रिकॉशंस हैं कोरोना से रिलेटेड और वो सब कुछ उनको लेकर चल रहे हैं। लाइक जो लोग वहाँ पे थे, दे वर वियरिंग अ प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड द मास्क, और हर टेबल पर जो है वो सैनिटाइजर मौजूद था। वो तो खैर हर जगह ही होता है। And they were using the plastic spoons and fork, and which were already packed in a plastic packet, and that's really hygienic. We decided to order their dragon chicken with chow mein and vegetable rice. आप लोग में से मे भी बहुत से लोगों ने पहले ट्राई किया हो, इट्स रियली टेस्टी, बहुत अच्छा है। अगर आपको भूख लगी है तो आप बहुत मज़े लेके खाएंगे, लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी तो लिटरली दैट्स योर मजबूरी कि आपको उसको खाना पड़ेगा क्योंकि आपने ख़रीदा है, ठीक है। सो मतलब मुझसे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाया गया, बट द थिंग विच आई ईट इन दैट होल सिनेरियो इज़ देयर ड्रैगन चिकन, बिकॉज ना तो मुझे चाउमिन में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ना ही मुझे वेजिटेबल राइस पसंद है। और हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और वो इतना ज़्यादा खा रहे थे, और मतलब लाइक लिटरली वी वर अगर आपको भूख ना लगी हो और आप बिल्कुल फुल हो और कोई आपको देख के नहीं, मतलब कोई आपके सामने खा रहा हो, तो आपको बहुत वी डोंट वॉन्ट टू सी देम, बट दे वर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मीस एंड आई वॉज नॉट एबल टू इग्नोर देम। इट्स रियली काइंड ऑफ सिचुएशन कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर। एंड ड्रैगन चिकन अकेले तो हमें नीचे उतरना नहीं था, इसलिए वी वॉन्टेड टू ऑर्डर समथिंग टू ड्रिंक। आई एम इन लव विद कोक सिंस आई डोंट नो व्हेन, सो आई वॉन्टेड चिल्ड कोक एंड दे बोथ अगेन ऑर्डर लाइम। या पी के आए हो अभी, दोबारा क्यों ऑर्डर करना है, लेकिन नहीं, दे वॉन्ट अगेन। और जब इन्होंने मंगाया तो इट्स रियली वियर्ड, अभी हम इतना सस्ता पी कर आए थे वहाँ से और वो इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था, उसकी जितनी तारीफें मैं कर सकती थी मैं पिछले व्लॉग में कर चुकी हूँ, और इससे ज़्यादा एग्जैजरेट गाइस मैं नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। और ये वाला लाइम तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आइस क्यूब्स थे और बिल्कुल पानी लग रहा था, और उसमें थोड़ा सा आप कह लो कि लग रहा था किसी ने लेमन छिड़क दिया। कुछ तो डालो यार। अब चूंकि इन दोनों को प्यास लगी थी और मैंने भी इनके साथ मिलकर उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमसे ख़त्म नहीं हुआ। और यस, बाकी ड्रैगन चिकन तो बहुत अच्छा था, आप लोग ट्राई करें, बट लाइम मत पीजिएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई करना है बाकी ये कैसा है तो फिर जाके देख लें। वी डिड रॉन्ग विद द ड्रैगन चिकन, वी जस्ट हमारे सामने पड़ा था और हम इसकी जो है वो पिक्चर्स ले रहे थे और वीडियोस बना रहे थे, और शायद हमने इसीलिए ये लिया था। खाने से ज़्यादा हमने इस पर जो फोकस था हमारा वो इसके पिक्चर्स पे था और सब चीज़ों पे, बिकॉज माई अदर फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो द यूट्यूबर, शी वॉन्ट्स टू गिव द रिव्यू ऑन दिस, सो यार वी बोथ आर डूइंग द सेम। I and Agdas were full and Nadia is trying hard to finish these rice. According to her, she's Kashmiri और चाहे जितना मर्जी वो फुल हों वो राइस नहीं छोड़ते। सो अच्छा था बिकॉज कि हम लोग उसको ज़ाया नहीं कर सकते थे। सो नादिया अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली नादिया फिनिश्ड इट। और एक और प्रॉब्लम थी गाइस, मेरी कोक गर्म थी, आई डोंट लाइक ओके चिल्ड कोक चाहिए होती है, गर्म नहीं चाहिए होती, ये भी गर्म थी। खैर मैंने सोचा चेंज करा दूँ, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठंडे एसी में बैठ के मुझे पता ही चला, मुझे बहुत ज़्यादा पीने के बाद एहसास हुआ कि ये गर्म है। और यस इट्स गुड डे अगेन, तो ये उस वक्त मैंने व्लॉग में नहीं डाला था, मैंने कहा इसको छोड़ो मैं अलग व्लॉग में डालूंगी, बल्कि आई डोंट नो शायद मुझे याद नहीं रहा था, मैंने उसी में डाल देती और इसको मैंने अलग डाला। आई डोंट नो व्हाट नादिया इज़ शोइंग टू मी, आई थिंक शी इज़ शोइंग सम पेज जहाँ पे लड़की जो है वो कोई केक बेक करती है, तो वी वर डिस्कसिंग दैट, मुझे उसका नाम बिल्कुल भूल चुका है।
मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। उसका इंस्टा का पेज है आई थिंक सो, और वहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। और आपने अगर कस्टमाइज केक बनवाना है तो आप बनवा सकते हो, क्योंकि रियली बहुत टैलेंटेड है ये बंदी जो भी है इसको। मतलब मैंने जब देखा इसका पेज, मुझे मेरी फ्रेंड ने दिखाया, तो आई वॉज़ लाइक शॉक्ड कि उसने इतने अमेजिंग किस्म के और इतनी रीज़नेबल प्राइसेज में कस्टमाइज केक्स बनाए हुए थे। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाई टू ईच अदर। लाइक इतना हम थक चुके थे और इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि सुबह हम सुबह जल्दी उठे थे, क्योंकि हम जिस सुबह जल्दी उठ के चले गए थे वहाँ पे, तो जब थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो अब इट वॉज़ लाइक कि बस जल्दी से घर पहुँचे और घर जाके सो जाएँ। एंड आई होप सो यू गाइज इन्जॉयड माई व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कॉमेंट बिलो, एंड येस, stay blessed, stay happy.